पिहोवा की अनाज मंडी परिसर में किया गया ध्वजारोहण। विभिन्न स्कूलों बच्चों ने प्रस्तुत किए रंगारंग कार्यक्रम। धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 1950 में आज के दिन ही हमारा संविधान लागू किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों ने लगभग 3 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद यह संविधान तैयार किया गया। गणतंत्र दिवस का यह पर्व हमारे देशभक्तों के त्याग, तप और बलिदान से जुड़ा हुआ है। SDM ने उपमंडल स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण करने के उपरांत भारतीय झंडे को सलामी दी। SDM ने गणतंत्र दिवस पर सभी उपमंडल वासियों को बधाई देते हुए कहा कि अमर शहीदों और क्रांतिकारियों का उद्देश्य केवल स्वतंत्रता प्राप्त करना ही नहीं था, बल्कि उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां गरीबी, भुखमरी, आर्थिक विषमता और अशिक्षा के लिए कोई जगह न हो। कि आज देश का 72वां गणतंत्र दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। किसी भी समाज को चलने के लिए उसके नियम कुछ कोडिफाई किए जाते हैं। हमें आज़ादी 1947 में मिल गई थी, लेकिन हमारे नियम कानून और इस तरह के नियम जिससे समाज में किसी तरह का कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब या ऊंच नीच का भेदभाव ना रहे, सब लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और धार्मिक रूप से समान रह सके, ये हमारा कानून हमें 1950 में आज के दिन हमारा लागू हुआ था। और उसी के आधार पर हमें जितने भी हमारे समाज की व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो उसी पर टिकी हुई। आज 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी देववासियों और देशवासियों को बधाई देता हूं और सबसे यही अपील करता हूं कि अपने कर्म को ऐसा रखें जिससे हमारे देश को और विश्व को भी हम पर गर्व हो। धन्यवाद। जय हिंद।